माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम सरकारी स्कूल में लिखा नहीं जा रहा है। मैं तख्ती लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे दो मासूम भाई बहन अपना नाम सरकारी स्कूल में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन इन बच्चों का कसूर केवल इतना है कि ये दलित समाज से आरोप है कि दलित समाज में होने की वजह से अध्यापक ने इनका नाम काट दिया और स्कूल से इन मासूम बच्चों को भगा दिया। कहाँ से आई हो? हम सर पिंकी चटिया से आए हैं सर। बच्चे मेरे कुंडी में पढ़ते थे, इनका नाम काट दिया। इन्हें पढ़ाने के लिए जब हम एडमिशन कराएंगे तो सर वो मास्टर ने हमें गालियाँ दी, बच्चे भी मेरे घर से स्कूल से निकाल दिया और बोले तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ा सकते हम, ये चमरियाँ तो बार बार आ सकती हैं हमारे पीछे। तो हमने कहा क्यों नहीं पढ़ा सकते हो सर? कि नहीं, हम तुम्हारे बच्चे को और नहीं नाम लिखेंगे। विद्यालय विद्या का मंदिर होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जाति धर्म की कोई बात नहीं होती है, लेकिन हरदोई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको शर्मसार कर दिया। जनपद के विकास खंड भरकनी के प्राथमिक विद्यालय कुड़ी में शिक्षक ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। शिक्षक ने विद्यालय से एक छात्र का नाम इसलिए काट दिया क्योंकि वो दलित समाज से आता था। परिजन अपने बच्चे के नाम काटने के बाद उसे दोबारा एडमिशन कराने के लिए स्कूल गए, लेकिन पुनः प्रवेश नहीं मिला, जिसके बाद दलित बच्चों ने सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। इस बात से नाराज बच्चे हाथ में मुख्यमंत्री को संबोधित लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अधिकारियों ने एडमिशन कराने का आश्वासन दिया। हालांकि अभी तक इस मामले में शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे संज्ञान में अभी आया है कि एक बच्चे का एडमिशन के लिए नहीं ले रहे थे एडमिशन, खंड शिक्षा अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कल एडमिशन करा देंगे और इसमें जो भी अगर दोषी होता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।